दोस्तों, अगर आपका खाता इंडियन बैंक में है और आप इंड स्मार्ट ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इंड स्मार्ट में एक दिक्कत आ रही है कि जब हम इसमें रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं तो रजिस्टर नहीं हो रहा है। वहाँ पे लिख के आ जा रहा है कि यूजर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज कॉन्टेक्ट ब्रांच। तो ये दोस्तों ये समस्या क्यों आ रही है और कैसे ठीक होगा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए, अगर वीडियो को आप एंड तक देखते हैं तो आप सही जानकारी पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है। ये हमारा इंड स्मार्ट को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हम यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मोबाइल से रजिस्टर करके दिखाता हूँ। यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर पे क्लिक किया तो यहां पे फेलियर लिख के आ रहा है कि यूजर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज कॉन्टेक्ट ब्रांच। तो ये दिक्कत दोस्तों आ रही है। मैं बैंक में गया था और वहां पे ब्रांच मैनेजर से जो बात करी थी, दोस्तों उसने कहा कि सबसे पहले आपको अगर मोबाइल नंबर से रजिस्टर नहीं हो रहा है तो आपको CIF नंबर से ट्राई करना है। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो उसने एक कस्टमर नंबर दिया, उस नंबर पे आप बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम CIF नंबर से लॉगिन करके ट्राई करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे CIF नंबर डाल दिया है और CIF नंबर डालने के बाद यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, यूजर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज कॉन्टेक्ट ब्रांच, ये दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों उसने हमें एक नंबर दिया था जो कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। इस नंबर पे फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। और दूसरी सोल्यूशन उसने ये बताई थी ब्रांच मैनेजर ने कि इंड स्मार्ट ऐप अभी बहुत जल्द ही लॉन्च हुआ है, अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं, इसलिए इसमें मेंटेनेंस चल रहा है और ये जल्द ही बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। तो कम से कम आपको 24 घंटे तक इंतज़ार करना है। 24 घंटे के बाद जब आप इसमें रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 24 घंटे इंतज़ार करना है। 24 घंटे इंतज़ार करने के बाद आपको दोबारा से ट्राई करना है और आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।